हारुछि कोरोना जितुछि मनीष जारी रहिछि कोविड टीकाकरण फेब्रुआरी 10 सुधा प्रथम डोज टीका फेब्रुआरी 14 रे द्वितीय डोज टीका राज्य रे जारी रहिछि कोरोना टीकाकरण फेब्रुआरी 10 सुधा स्वास्थ्यकर्मी को दियाजिबो प्रथम डोज टीका 3,50,000 स्वास्थ्यकर्मी को टीका देवाने लक्ष्य रखा जाइछि सेहिपरि फेब्रुआरी 14 रे द्वितीय डोज टीका नेबे स्वास्थ्यकर्मी प्रथम पर्याय 1,92,000 टीकाकरण पर लक्ष्य रही वर्तमान सुधा 1,52,351 जन को टीकाकरण द्वितीय पर्याय टीकाकरण पर कोविड योद्धा डाटा बेस प्रस्तुत हो सूचना देखते परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही आमर 16 तारीख रु वैक्सीनेशन स्टार्ट 23 तारीख पर्यंत चली गत रविवार जेहेतु आमर बंद था 23 तारीख दिन आम 22,364 जन स्वास्थ्यकर्मी को आम टीकाकरण करूँ जो थे कि 16 तारीख टू आरंभ कर 23 तारीख पर्यंत आम समुदाय 152,371 जन स्वास्थ्यकर्मी को आम टीकाकरण करूँ पुणी 3 तारीख रु आरंभ हो 10 तारीख पर्यंत चालू रहा भितर आम समस्त पंजीकृत स्वास्थ्यकर्मी को आम टीकाकरण करूँ यह हूँ आम प्लानिंग से कटक जिले में शेष हो प्रथम पर्यायर टीकाकरण जिला स्तर में 11 टीकाकरण केन्द्र कर प्रथम पर्यायर 19,100 टीका जिला को मिलता एससीबी मेडिकल व्यतीत अन्यान्य समस्त टीकाकरण केन्द्र में 100% टीका प्रदान कटक एडीएमओ प्रथम पर्यायर समस्त टीका स्वास्थ्य सेवार नियोजित होता डाक्तर नर्स कर्मचारी और आंबुलांस कर्मचारी को दि जाता अनेपटे आसंता फेब्रुआरी 14 में द्वितीय पर्यायर टीका आसवा संभावना रही तेबे कटक जिला पई 13,100 टीका आनिबा पई डाटा बेस प्रस्तुत करा जाय छे आमर पाखापाखि 7,500 हेल्थ केयर वर्कर्स पाइलेनी आमर ए जो आसंता 28 तारिख टू 10 तारिख मध्य रे बाकी रेस्ट जो प्राइवेट रे हेल्थ केयर वर्कर्स माने अछंती से मानकु कंप्लीट करा जीव आमर 82% ए पर्यंत आमे अचीव करछु बाकी आशा करछु जे बाय 10th ऑफ फेब्रुअरी समस्ते पाई जिबे आउ लास्ट फेज ऑफ एटा हेल्थ केयर वर्कर्स मान कर 10 तारीख बियॉन्ड आउ दिया जिबनी तांकु आमर प्राय 100% रूरल एरियाज गुडा कर हे जैछि अर्बन रे एससीबी मेडिकल कॉलेज किछिटा कम हे कि ताकु मोटामोटी 82% आमे फर्स्ट फेज रे आमे वैक्सीनेशन करि पर राज्य में प्रथम पर्याय टीकाकरण शेष होगा द्वितीय पर्याय को नहीं अपेक्षा करिछन्ते स्वास्थ्यकर्मी भुवनेश्वर सतरूपा सामंतरायों कटकु विश्वजीत दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज।